तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं अपने गेम में जेसीबी से मट्टी को खोद पा रहा हूँ और मट्टी को खोदने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो अपने गेम में जेसीबी से मट्टी कैसे खोद सकते हैं चलो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। न्यू सीक्रेट जेट का चीट कोड नंबर भी बताने और जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपने गेम में न्यू जेट को भी इजी तरीके से एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो इसका चीट कोड नंबर आईजी टूल में डायल करना है। तो ये चीट कोड नंबर कौन सा होना है चलो मैं आप लोगों को बता। तो जैसे आप लोग अपने गेम में ये चीट कोड नंबर डायल करोगे तो आप लोग की बोट स्पॉन हो जाएगी और बोट को आप लोग इजी तरीके से इस तरह से एंजॉय कर सकते हो। ये चीट कोड नंबर कौन सा चलो आप लोगों को ये भी बता। चीट कोड नंबर कौन सा है जिसके आप लोग अपने न्यू थार को स्पॉन कर सकते हो ये भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। आज की जो वीडियो होने वाली काफी ज्यादा अमेजिंग होने क्योंकि गेम डेवलप तब से अभी अभी कुछ न्यू चीट कोड नंबर मेरे को मिले हैं एंड वो चीट कोड नंबर जानने के बाद आप लोग अपने गेम में किसी के मारा नाचने वाले और आप लोगों को काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। तो चलो आप लोगों को अपने गेम में जो जो मैंने आप लोगों को दिखाया इन सभी के एक करके न्यू चीट कोड नंबर बताया। तो और अपने गेम में चीट कोड नंबर जैसे मैं करता हूं बेस भेजे करना है इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो बिना किसी देर रुकते हैं चार और एक करके चीट कोड नंबर देखते हैं। छोटी सी करूँ फिर से और आज की जो वीडियो होने वाली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपने गेम में न्यू चीट कोड नंबर बताने वाला। देखो मैं आप लोगों को बता दूं पहले भी मैंने आप लोगों को अपने गेम में न्यू चीट कोड नंबर बताया लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं गेम के डेवलपर से अभी अभी मेरे को कुछ न्यू चीट कोड नंबर प्रोवाइड हुआ है एंड जिसके अंदर आप लोगों को अपने गेम में बोट का चीट कोड नंबर देखने को मिलेगा एंड मैं आप लोगों को बोट का चीट कोड नंबर भी बताऊंगा। साथ ही मैं आप लोगों को अपने गेम में न्यू थार का चीट कोड नंबर प्रोवाइड हुआ और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो न्यू थार को आप लोग इस तरह से एंजॉय कर सकते हो। तो इसका चीट कोड नंबर भी आज की वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं आप लोग अपने जेसीबी से मट्टी को कैसे खोद सकते हो ये भी बताने वाला। आज की जो वीडियो होने वाली वो काफी ज्यादा इंटरेस्टफुल काफी ज्यादा न्यू चीट कोड के ऊपर होने वाली। तो चलो मैं आप लोगों को एक करके चीट कोड नंबर बताता हूँ। सबसे पहले न्यू चीट कोड नंबर बता रहा हूँ जो गेम की डेवलपर से अभी अभी आए हैं। तो भाई चीट कोड नंबर सबसे पहले बता रहा हूँ तो आप लोगों का हक बनता है इस वीडियो को लाइक करना है सब्सक्राइब करना है। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अभी हम आप लोगों को अपने न्यू चीट कोड नंबर बताते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा जेसीबी से मट्टी को कैसे खोद सकते हैं और जेसीबी का जो चीट कोड नंबर है वो क्या होने वाला है। तो जैसे आप लोग अपने गेम में पहले आप लोगों को डायल करना पड़ेगा जेसीबी को। तो मैं अपने गेम में जेसीबी को स्पॉन कर लेता हूं। आप लोगों को डायल करना है 666 and 7। तो जैसे आप लोग अपने गेम में डायल करोगे तो जेसीबी स्पॉन हो जाएगी और आप लोग तो काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों को अपने गेम में बोट का चीट कोड नंबर और साथ ही अपने न्यू वाले जेट का चीट कोड नंबर और साथ ही न्यू थार का चीट कोड नंबर मैं आप लोगों को बताने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ जेसीबी से मट्टी को कैसे खोद सकते हैं और पानी भी कैसे आप लोग भर सकते हो अपने जेसीबी में। ठीक है तो मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले मट्टी को कैसे खोद सकते हैं एंड आप लोगों को बता दूं आप लोग काफी दिनों से कमेंट करके बोल रहे थे भाई अपने गेम में जो जेसीबी देखने को मिलती है वो कंट्रोल करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है और अपनी जेसीबी को हम लोग अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आगे की साइड चार ऑप्शन देखने को मिले होंगे जैसे कि आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है ये वाले चार ऑप्शन इस पे आप लोग जैसे ऊपर वाले पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का डंपल ऊपर चला जाता है। ऊपर वाले से ये वाले डंपल को उठा सकते हो एंड आप लोगों को इधर की साइड कोने में यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे आप लोग नीचे करोगे आप लोगों का डंपल बिल्कुल नीचे हो जाएगा एंड आप लोग इस वाले से आप लोग इसको डंपल को आगे कर सकते हो। ठीक है मतलब कि आप लोगों को इसके बिल्कुल ठीक सामने आगे पीछे करने का ये वाला ऑप्शन दिया गया है और इससे आप लोगों को ऊपर इससे आप लोगों को ऊपर करने का और इससे नीचे करने का। ठीक है अभी आप लोग आगे का कंट्रोल समझ गए होंगे। अब आप लोग को मैं पूरा पीछे वाला कंट्रोल दिखा देता हूँ कि पीछे वाले कैसे कंट्रोल करने। उससे पहले मैं आप लोगों को बता कि ये जो नीचे कंट्रोल देखने को मिलते हैं उनका क्या काम होता है। इनको कंट्रोल करने के लिए जैसे आप लोग अपने नीचे वाले पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को अपने गेम में ये वाले ऑप्शन को नीचे हो जाएगा और आप लोग की जेसीबी के जो पहिए वो ऊपर उठ जाएंगे और जैसे आप लोग ऐसे इस पे क्लिक करोगे तो दोबारा से आप लोगों का नॉर्मल हो जाएगा जैसे जेसीबी पहले चलने के लेख। ठीक है अब आप लोगों को इधर की साइड ये देखने को मिलते हैं। अब जैसे आप लोग इधर की साइड क्लिक करोगे तो आप लोगों का ये इधर हो जाएगा और जैसे आप लोग इधर पे क्लिक करोगे तो इधर हो जाएगा। ठीक है मतलब ये आप लोगों का जेसीबी का एड्रेस मैन के लिए दिया गया है। ठीक है अभी जेसीबी को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं वो भी बताता हूं। मट्टी कैसे खोद सकते हैं वो भी दिखा देता हूं। ठीक है तो मट्टी खोदने के लिए ऑप्शन देखने को मिलता है तो इस वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों की जेसीबी का आगे बड़ा होने लग जाएगा एंड आप लोगों को इससे दोबारा से ऐसे ही हो जाएगा दोबारा से। ठीक है उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया गया है तो जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो वैसे आप लोगों का ये दोबारा से ओपन होने लग जाएगा और देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा होने लगा है। तो अब आप लोगों को अपने गेम में और भी बड़ा करना है इसको तो आगे से इसका मुंह खोल देना नीचे वाले कंट्रोल। ठीक है अब आप लोगों को दोबारा बंद करना है इसको तो आप लोग दोबारा से इसको इस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का दोबारा से इस तरह से बंद हो जाएगा एंड इस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का दोबारा से ही हाथ बंद हो जाएगा। ठीक है तो गाइस इस तरह से आप लोग अपने गेम में जेसीबी के जो कंट्रोल्स है वो इस तरह से यूज होते हैं। ठीक है उसके बाद मैंने आप लोगों को कंट्रोल्स तो करके दिखा दिया। अब आप लोगों को मट्टी कैसे खोद सकते हैं तो मट्टी हम लोग अपने गेम में लास्ट में खोदने वाले हैं तो और अपने गेम में जो पानी को भी कैसे भर सकते हैं ये भी आप लोगों को लास्ट में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना। ठीक है अभी आप लोगों को अपने गेम में न्यू चीट कोड नंबर बताया तो उसको नंबर होने वाला है अपने गेम में हेमोरगिनी कार का। तो जैसे आप लोग अपने गेम में 888 और 0 डायल करोगे तो आप लोगों की गेम में हेमोरगिनी कार आ जाती है और इसके अंदर आप लोग अपने गेम में मट्टी भी भर सकते हो एंड जेसीबी से इजी तरीके से मट्टी भी मैं आप लोगों को इसके अंदर भर के दिखाऊंगा। ठीक है सेकंड चीट कोड नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूं तो सेकंड चीट कोड नंबर भी काफी ज्यादा यूनिक होने वाला है। तो काफी लोगों को अभी तक अपने गेम में न्यू फायर इंजन का चीट कोड नंबर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं 606 डायल करके अपने गेम में फायर इंजन को स्पॉन करवा सकते हो भाई और अपने गेम में देख सकते हो फायर इंजन इजी तरीके से यूज भी कर सकते हैं लेकिन आप लोग इससे आग नहीं बुझा सकते हैं। ठीक है चीट कोड नंबर होने वाला जैसे आप लोग 333 and 0 डायल करोगे तो अपने गेम में जेट पैक स्पॉन हो जाएगा एंड ये भी चीट कोड सभी को पता होगा एंड अपने गेम में एक बिग जेट पैक का भी चीट कोड नंबर बताता हूं। जैसे अपने गेम में 320 डायल करोगे तो अपने गेम में आप लोगों को बिग जेट पैक देखने को मिल जाएगा।
जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इनके धोरो जाओगे तो आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और आप लोग इसी तरीके से इनको एंजॉय कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को सिगरेट वाले जेट पैक का चीट को नंबर नहीं पता होगा, तो वो सिगरेट चीट को नंबर भी आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। तो मैंने थार का चीट को नंबर बताया, तो जैसे आप लोग अपने गेम में 90-90 डायल करते होंगे तो आप लोगों के गेम में आ जाती है ये वाली थार, बट ये तो मॉडिफाइड थार देखने को मिल जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं अपने गेम में न्यू थार का चीट को नंबर भी आया है, तो वो न्यू थार का चीट को नंबर भी आप लोगों को मैं जल्दी से दिखा रहा हूं। तो अपने गेम में न्यू थार का चीट को ऐड, अपने गेम में न्यू बोट का, चलो आप लोगों को दिखा रहा हूं अपने गेम में न्यू चीट को नंबर। तो सबसे पहले जो चीट को नंबर होने वाला है वो अपने गेम में जेट का चीट कोड होने वाले। तो देख ही सकते हो ये सीक्रेट जेट काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिल जाता है, इसका चीट को नंबर काफी अंदर को नहीं पता होगा। तो चलो आप लोगों को बताता हूं इसका जो चीट को नंबर होने वाला है वो है आईजी स्टूल का। तो अपने गेम में कौन सा चीट को नंबर डायल करना है जिससे आप लोगों के गेम में ये जेट आने वाला है, तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो अपने आप लोगों को पहले यहां पे लिखना है GET, ठीक है। पहले आप लोगों को यहां पे जेट लिख लेना, लेकिन आप लोगों को एक नहीं दो तीन बार लिख देना, जैसे कि मैं अपने गेम में दो तीन बार यहां पे जेट लिख रहा हूं, जब भी आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। और जेट लिखने के बाद आप लोगों को इसी तरीके से यहां पे एक मिनी जेट पैक को स्पॉन करवा लेना, जैसे कि मैंने अपने गेम में यहां पे मिनी जेट पैक को स्पॉन करवा लिया। एंड उसके बाद आप लोगों को अपने गेम में इसके ऊपर बैठने के बाद अपने गेम में आप लोगों को जाना है बिल्कुल आसमान में, ठीक है। आसमान में आप लोगों को जाने के बाद देखने को मिलेंगे अपने गेम में आप लोगों को जेट। एंड देख पाएंगे आप लोगों को अपने गेम में जो जेट है वो काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिलने वाले हैं। एंड मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं दूर से, तो भाई लोग आप लोग यहां पे देख सकते हो आप लोगों को जेट कितने ज्यादा अमेजिंग देखने को मिल रहे हैं और कितने ज्यादा अमेजिंग तरीके से आप लोग उनको एंजॉय भी ऊपर से कर सकते हो। अभी आप लोग सोचेंगे भाई इनको ड्राइव क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, और इनका जो चीट को नंबर है वो डायल करने से आसमान में क्यों उड़ने लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं आप लोग इनको आसमान में से देख के तो एंजॉय कर सकते हो, बट मैं आप लोगों को बता दूं इस वाले अपडेट में आप लोगों को इनको ड्राइव करने का भी चीट को नंबर दे दिया जाएगा। अभी आप लोगों को बता दूं इसको ड्राइव करने का चीट को नंबर नहीं बनाया गेम के डेवलपर ने, लेकिन आप लोग अपने गेम में जो मैंने आप लोगों को चीट को नंबर बताया जेट डाल के आईजी टूल में इनको देख सकते हो और आप लोग इस तरह से एंजॉय कर सकते हो, राइट। इस वाले अपडेट में आप लोगों को इसका चीट को नंबर जानना है, और अगर आप लोग सभी रेडी हो इस वाले अपडेट में 50% चांसेस इस वाले न्यू अपडेट में आप लोग इस तरह से ड्राइव कर पाओगे। अगर सभी रेडी हो तो अपने गेम में जेट ओपी लिख देना, अगर ज्यादा कमेंट होंगे तो नेक्स्ट अपडेट में पक्का आप लोगों को ऐसे जेट को ड्राइव करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेकंड जो चीट को नंबर होने वाला है वो है अपने गेम में न्यू बोट का, तो बोट का चीट को नंबर भी आप लोगों को मैं जल्दी से दिखा देता हूं। तो बोट का चीट को नंबर आप लोगों को सबसे पहले पानी में डायल करना पड़ेगा अपने गेम में, जहां पे बहुत सारा पानी देखने को मिले। अगर आप पानी में डायल नहीं करोगे तो बोट में आप लोगों को इतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं पानी में जल्दी से इसको कर लेता हूं, तो अपने गेम में पानी में आप लोगों को वो चीट का नंबर बता देता हूं। तो आप लोगों को पानी वाली जगह पे आने के बाद आप लोगों को डायल करना है यहां पे 222, एंड जैसे आप लोग डायल करोगे आप लोग की गेम में आ जाएगी ATV बाइक। तो अभी आप लोग सोचेंगे भाई ATV बाइक का चीट को नंबर तो हमको पहले से पता है, एंड ATV बाइक का चीट को नंबर आप क्यों बता रहे हो, मैं आप लोगों को बता दूं इस वाले अपडेट में आप लोगों को अपने गेम में जो ATV बाइक देखने को मिलती है उसको मॉडिफाई करके इस वाले अपडेट में आप लोगों को बोट देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी इस वाली अपडेट में बोट ऐड हो रही थी, एंड वो जो बोट का जो मॉडल है वो मिल भी चुका था, बट मैं आप लोगों को बता दूं बोट में बहुत ज्यादा ग्लिच हो रहे थे, एंड अपने गेम में जो पानी में अच्छे से चल नहीं पा रही थी, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस वजह से न्यू अपडेट में बोट को ऐड नहीं करा गया, ठीक है। बट इस वाले अपडेट में गेम के डेवलपर सोचे टाइम मिलता है तो बोट को भी आप लोगों को इसके जो टायर है वो रिमूव हो जाएंगे, और सर ने बोला कि अपने गेम में आप लोगों को बोट देखने को मिल जाएगी इसके टायर रिमूव होने के बाद, क्योंकि ATV बाइक को कोई इतना यूज नहीं करता ना। सेकंड चीट कोड के नंबर की साइड, तो सेकंड चीट कोड नंबर होने वाला है अपने गेम में न्यू थार का। तो अपने गेम में आप देख सकते हो न्यू थार को एंजॉय करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो न्यू थार का चीट कोड नंबर आप लोगों को दिखा देता हूं। तो अपने गेम में 90-90 डायल करके ये वाली जो थार आ जाती है, बट इस थार को आप लोग रिमूव करने के बारे में बोल रहे थे। इस वाली न्यू अपडेट में आप लोगों को अपने गेम में ये वाली जो थार है न्यू वाली थार देखने को मिलने वाली थी, बट बात बता दूं इस वाले अपडेट है वो आप लोगों को इमरजेंसी में न्यू अपडेट जल्दी दे दिया गया, बट मैं आप लोगों को बता दूं इस वाले अपडेट में आप लोगों को ये वाली थार देखने को मिलेगी और अपने ये वाली जो मॉडिफाइड थार है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं बता दूं अपने गेम में जेसीबी से मट्टी को कैसे खोद सकते हैं, एंड अपने मट्टी को खोदने के लिए हमको क्या चीट को नंबर डायल करना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग अपने गेम में 6 and 7 डायल करोगे तो आप लोगों को अपने गेम में जेसीबी स्पॉन हो जाती है। लाइक मैं अपने गेम में इसी तरीके से पानी के अंदर भी जेसीबी को स्पॉन करवा के दिखा देता हूं, क्योंकि सबसे पहले पानी को क्या अपने गेम में जेसीबी पानी को रोक पाती है। तो जैसे कि मैं अपने गेम में यहां पे जेसीबी के अपने गेम में पानी के अंदर स्पॉन करता हूं, जेसीबी के अंदर मैं बैठ चुका हूं, और अभी मैं अपने आगे के क्या डंबल से पानी को रोक पाऊंगा, देख ही सकते हो मैंने अपने जो आगे के डंबल में अभी पानी भर रखा है। तो मैं ऊपर की साइड करता हूं, तो जैसे मैं अपने गेम में ऊपर की साइड करता हूं तो मेरे अंदर पानी अभी रुकता नहीं है, और मैं थोड़ा सा और इसको दोबारा से इसको नीचे लेता हूं और दोबारा से इसके अंदर पानी भरने की कोशिश करता हूं, दोबारा से मैं इसके अंदर डंबल में भर के और इसको दोबारा से ऊपर करता हूं, ठीक है। तो देख ही सकते हो इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता, एंड मट्टी भी आप लोग अपने गेम में अभी नहीं खोद पाते। एंड मैं आप लोगों को बता दूं इस वाली अपडेट में तो ऐसा अपनी गेम में जेसीबी ऐड हुई है, एंड मैं आप लोगों को बता दूं आप लोग कभी भी अपने जेसीबी से मट्टी नहीं खोद पाओगे। एंड मैं आप लोगों को बता दूं जैसे अपने गेम में गेम डेवलपर सोच रहे हैं कि आप लोगों को एक ऐसी भी जगह दी जाएगी जहां पे आप लोग अपने गेम में जेसीबी से कुछ भी ऐसी चीज उठा सको, एंड अभी आप लोगों को बता दूं इस वाले अपडेट में तो ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा जिससे कि आप लोग मट्टी वगैरह खोद पाओ। बाकी आप लोगों को बता दूं अगर मट्टी वगैरह तो इसके नीचे नहीं देखने को मिलती, आप लोगों को बता दूं न्यू अपडेट आप लोगों को अब 15 दिन बाद देखने को मिलने वाला है, और अपने गेम में जो न्यू अपडेट में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा इस वाले, तो इस वाले जो न्यू अपडेट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा मार्च के 1 तारीख को। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों को अपना न्यू अपडेट भी आप लोगों को पहले भी देखने को मिल सकता है, और अपने न्यू अपडेट में निशान GTR का
थार और न्यू वेपन्स और साथ ही न्यू रेन मोड का चीट कोड और न्यू थार भी आप लोगों को देखने को मिलेगी और अपने गेम में ये वाला जेट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अपडेट में आप लोगों को बोट भी देखने को मिलने वाली है। तो अपने न्यू अपडेट में आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। अभी अपने जो गेम डेवलप है अपने पुलिस स्टेशन पे वर्क करें और अपने जो सेकंड फ्लोर देखने को मिलता है पुलिस स्टेशन का उसे ओपन करें और उसके अंदर जेल को ऐड करें। अभी पूरा आप लोगों को अच्छे से पुलिस स्टेशन देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन आप लोगों को इस वाले अपडेट में बहुत अच्छे से पुलिस स्टेशन देखने को मिलने वाला है। इस वाले न्यू अपडेट की मैंने आप लोगों को फिक्स डेट बता दिया और अपने न्यू अपडेट में आप लोगों को जैसे और भी न्यू चीजें आएंगी एक दो दिन के अंदर तो मैं आप लोगों को वो भी चीट कोड नंबर बता दूंगा। तो इस चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन लाइफ टाइम में मिलती रहती है, इससे आप लोगों का फायदा होता है और आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं सेकंड वीडियो में, जब तक लेते हैं आप लोगों से गुड बाय, टेक केयर।